इस समारोह में, इस कार्यक्रम में आए हमारे गणमान्य अतिथियों का और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने माननीय अतिथियों को पुष्प लेकर सम्मानित करना चाहेंगे। मैं जुलेखा को करूंगा, हमारे बीच माननीय मंत्री रुद्रा का आगे करूंगा दीप्ति से, हमारे प्रधान सचिव समाज मैं आग्रह करूंगा पूर्व सेवा पूर्व आईएएस अधिकारी से हम पुरजोर स्वागत करते हैं सर आपका। अब मैं निदेशक आईसीडीएस महोदय के लिए अब मैं आग्रह करूंगा नेहा से श्रीमती जी को हमारे बीच में और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विधिवत सर थोड़ा जाने गए कैसे हम खोजेंगे उनको। अरे संजय सिन्हा ठीक है बोले थे तो हम किन से पूछते रहे किनका नाम संजय सिन्हा है। अच्छा देखिए रुक जाइए आज नया जाने जा रही को आज कल्याण श्री महमूदीन अहमद मैनेजिंग डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिस्टर संतोष मैथ्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर आईसीटीएस रवीन किशोर, श्री फूल सिंह डेवलपमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आज के इस कार्यक्रम में आयुक्त महोदय, प्रधान सचिव समाज कल्याण श्री आई सी कुमार हम का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक प्रारूप जो आपके पास है जिस पर सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के स्तर पर मंतव्य की उपेक्षा की गई है। पॉलिसी फॉर वुमेन इस नीति की एक ड्राफ्ट कॉपी भी बनाई गई है और आज हम उस ड्राफ्ट के ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब मैं आग्रह करती हूँ डायरेक्टर न्यूट्रिशन कई सारे रणनीति आबादी जैसे नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो कि एक बहुत कॉम्पोजिटिव अच्छा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है और इसके अलावा कई और भी चीजें हैं। विचक्राफ्ट के अगेंस्ट एक्ट बनाया गया लेकिन महिलाएं अभी भी सशक्त और बराबर की अपनी भागीदारी हासिल नहीं कर पाई है और उनको केवल एक हम दान पात्र के रूप में ना देखें मगर अगर हम उनको देखें कि वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है बिहार की प्रगति में तो वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे और इसी के लिए ये पॉलिसी का एक ड्राफ्ट बनाया गया है महिला सशक्तिकरण नीति का। इस नीति का उद्देश्य है कि महिलाओं को जितनी भी सेवाएं हैं चाहे वो आर्थिक शैक्षणिक स्वास्थ्य इत्यादि सभी सेवाओं को हासिल करने का एक अवसर मिले, ये समान अवसर हो जो कि मतलब बिना किसी भेदभाव के मिले और इस पॉलिसी के कुछ सिद्धांत हैं जो कि इसको गाइड करते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिन्हें कहा गया है, ये इन सभी मुद्दों पर आधारित है जो कि हमारे प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला है कि ये एक राइट पर्सपेक्टिव है या ये एक अधिकार का मुद्दा है। भारत का संविधान सभी को समान अवसर प्रदान करने का एक भारत के संविधान में ये हमारे लिखा हुआ है कि सभी को समान अवसर मिले
महिलाओं को अपना अधिकार प्राप्त हो। दूसरा है कि सभी महिलाएं एक तरह के स्थिति में नहीं होती है, महिलाएं भी अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग परिस्थितियों में होती हैं। तो इन महिलाओं तक पहुंचने के लिए, अलग अलग परिस्थिति के महिलाओं तक पहुंचने के लिए एक अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम की जरूरत है। तो ऐसा एक टारगेटेड अप्रोच हो, महिलाओं की जो लाइफ साइकिल है, जब से वो पैदा होती हैं और जब तक उनका पूरा लाइफ साइकिल, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो इन आवश्यकताओं को मद्देनजर करते हुए कार्यक्रम बने। और आखिरी है कि स्टेट के पास कुछ अच्छी नीतियां हो, कुछ अच्छे पॉलिसीज हो और कुछ अच्छे इफेक्टिव लेजिस्लेशन हो, प्रभावी नीति हो। सिर्फ नीति बना देना काफ़ी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, तभी स्टेट का कमिटमेंट रियलाइज होता है। और जब नीति बनती है तो नीति के साथ उसके लिए कुछ फाइनेंस भी अवेलेबल किया जाता है, जब तक नीति नहीं रहती है तो फंड्स भी उतने नहीं होते हैं। जो पॉलिसी के 5 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो है कि कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम्स बने जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, सोशल जस्टिस करें और हर एक नारी को अपने फंडामेंटल राइट्स एज इक्वल सिटीजंस हासिल करने में सक्षम करें। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण उनके लाइफ साइकिल के हर स्टेज में सुनिश्चित हो। महिलाओं को शिक्षा, किसी तरह की वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। महिलाओं का जो रोल है उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है, इसकी कहीं ना कहीं गणना हो। आजकल जितने भी आर्थिक आंकड़े निकलते हैं वो हमेशा उससे निकलते हैं कि कौन काम करने के लिए पैसा कमा रहा है। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वेजेस, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक आउटपुट। लेकिन महिलाएं जो घरेलू ही महिलाएं होती हैं और घर से जो इतना काम करती हैं, यदि वे वो सब काम ना करें और किसी और को करना पड़े तो उसका भी एक इकोनॉमिक बर्डन होता है। और ये जो प्रोडक्टिविटी है महिलाओं की, ये कहीं भी गिनी नहीं जाती है, तो सही प्रोडक्टिविटी उनकी कहीं ना कहीं जुड़े स्टेट के। और आखिरी में है कि विमेन को पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करें, वो प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बिहार एक ऐसा पहला प्रदेश था जिसने कि 50% रिजर्वेशन भी किया महिलाओं का पंचायती राज में, मगर सिर्फ रिजर्वेशन करना शायद काफ़ी नहीं है, उसके आगे भी उनको ले जाने के लिए और एफर्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके सभी के साथ ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं जो कि हमने पहले बोले थे। तो जैसे कि अगर हमने प्रोग्राम वगैरह है तो वहाँ विशेष ध्यान है फीमेल सेक्स रेशियो, जो हमने बताया कि कम है, महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाना या सेक्सुअल वायलेंस हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, महिलाओं का प्रोटेक्शन कैसे हो जैसे कि बार्गेनिंग करके काम कर सकें। इसी तरह से गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का है कि स्वास्थ्य की सेवाएं, पोषण की सेवाएं महिलाओं को उपलब्ध हों, और वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट का मौका मिले। महिलाओं का प्रोडक्टिव रोल के अंदर आता है, जैसे कि उनकी नेगोशिएशन इवन विद इन द फैमिली, उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह से ये पॉलिसी के कुछ मुख्य बिंदु थे। डिटेल में ये पॉलिसी आगे सेशन में डिस्कस होगी और तो फाइनलाइज होगी। इसी के साथ मैं समाप्त। थैंक यू को हमारे साथ साझा किया है। अब मैं आग्रह करती हूँ विकास आयुक्त बिहार सरकार श्री पूर्ण सिंह जी से कि वो यहाँ आए और विभिन्न एम्पावरमेंट पर अपना प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग निदेशक, प्रबंध निदेशक और दूसरे पदाधिकारी देवी और सदन, ये प्रसन्नता का विषय है कि महिला विकास निगम ने महिला सशक्तिकरण की नीति और कार्य योजना का प्रारूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और इस पर आप हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विगत
सरकार ने ठोस और कारगर कदम उठाए हैं और उनके अप्रत्याशित परिणाम सामने हैं। उस कड़ी में सबसे पहले स्थानीय निकायों में 50% महिलाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों में आरक्षण व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप तीनों स्तर की पंचायतों में कुल 125 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 65,000 निर्वाचित प्रतिनिधि महिला हैं और इस आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि उनकी आबादी के अनुपात से अधिक संख्या में वे स्थानीय सरकार चला रही है। इसी कड़ी में दूसरे प्रयोग हैं मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री अक्षर अंचल योजना, पोशाक योजना, हुनर विचक्राफ्ट प्रोविजन लॉज, महिला थाने, हेल्पलाइंस, सोशल रिहैबिलिटेशन फंड आदि है। किंतु अभी भी इन प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा संसाधनों तक पहुंच एवं अवसरों की उपलब्धता जैसे मौलिक जरूरतों से दूर है। यह अंतर सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, अवसरों, कौशल और रोजगार के आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। इसके साथ ही अभी भी कई लिंग आधारित विभेद हैं जो महिलाओं को जन्म सुविधा और वस्तुओं तक उनकी नैसर्गिक हक से वंचित करते हैं। यद्यपि सरकार ने अपनी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं में लैंगिक विकास की संभावना को प्राथमिकता दी है और प्रोत्साहित भी किया है, किंतु अभी वांछित परिणाम के लंबे प्रयास की आवश्यकता है ताकि लैंगिक समानता का प्रयास विकास योजनाओं की मुख्य धारा में शामिल हो सके। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर सशक्त करने की आवश्यकता है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके सामाजिक जागरण और एक टिकाऊ सांख्यिक संगठन से जोड़ना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र में एक सशक्त पहल साबित हुए हैं। अभी तक करीब 97,000 SSG बने हैं और आने वाले 3 वर्षों में करीब 10,00,000 SSG ग्रुप बनाए जाएंगे। इन ग्रुपों में महिलाएं लघु एवं सूक्ष्म ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका का विकास करते हैं और सामूहिक एवं पारिवारिक उद्यम के सहारे अपने समाज एवं परिवार स्वावलंबन की ओर ले जाती है। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं के लिए सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें पालना कर कामकाजी महिला छात्रावास आदि के माध्यम से प्रोत्साहक सेवाएं प्रदान की जा सकती है। सामाजिक और क्षेत्रीय सशक्तिकरण के लिए निरक्षरता का उन्मूलन, स्वास्थ्य सुविधाओं का सर्वव्यापीकरण, उन पर होने वाली हिंसा विशेषकर घरेलू हिंसा से निषेध, सामाजिक सुरक्षा के साथ नैसर्गिक एवं वैवाहिक अधिकारों में समानता आदि पर बल देना। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के संख्या प्रयास की आवश्यकता है और यदि इस दिशा में कोई भी हिस्सा छूटा या किसी भी कारण से वंचित हो गया तो वांछित परिणाम काफी पीछे छूट गए। इसलिए आवश्यक है कि सशक्तिकरण की सारी प्रक्रियाएं एक ही साथ विभिन्न कोणों से हर एक चुनौती को संबोधित करें।
तभी राज्य सही मायनों में सशक्त विकसित हो पाए। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के नीति और कार्य योजना जो आपके सामने है वे काफी विविधतापूर्ण प्रकृति की है और सरकार के 14 विभाग और उनके अधीन निदेशालय संस्थान इसमें हैं, सम्मिलित हैं। सभी विभागों को और विशेषकर समाज कल्याण विभाग को विभिन्न क्षेत्रों के इंडिकेटर्स के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा जो प्रारंभ में नहीं हो सका है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की गणना भी करनी होगी, तभी सही मायने में ये नीति को आप और कार्यक्रमों को एक अच्छे पुस्तक लागू कर सकें। इसके साथ ही सभी कार्यक्रमों को एकीकृत करने के स्थान पर इन कार्यक्रमों के कन्वर्जेंस की प्रक्रिया से बांटा जाए, जैसा कि समाज कल्याण विभाग राज्य महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों नियमावलियों नियमों के कार्यों के प्रति जवाबदेह है। लेकिन इसका तात्पर्य सिर्फ यह नहीं कि सिर्फ नियम अधिनियम और नियम के सफल कार्यान्वयन से सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता है कि सरकार के सभी विभाग निदेशालय निकाय आदि एक मंच पर आए और एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें कि हर एक लाभुक को न सिर्फ उस योजना का लाभ मिल सके बल्कि योजना का बहुमानी प्रभाव परिलक्षित हो, आदि सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई। मुझे विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण नीति और उसकी कार्य माननीय मंत्री समाज कल्याण प्रवीण जी, श्रद्धेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य चौबे जी, मैथ्यू साहब, फूल सिंह मित्रों, स्पष्ट है कि हम जो सपना देख रहे हैं सुविकसित सुशिक्षित और स्वस्थ बिहार का, यह सपना तभी साकार होगा जब हम महिलाओं को अधिकार से संपन्न करें। और सबसे बड़ी कमजोरी है कानून बने योजनाएं बने नीतियां बने लेकिन प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस और जो सोच में बदलाव आना चाहिए सोच सामाजिक सोच के बदलाव के अभाव और जो एक एटीट्यूड होना चाहिए सही दृष्टिकोण होना चाहिए उसके अभाव के चलते बहुत सारे कानून बने लेकिन उनका सही कार्यान्वयन हो नहीं पाए। उदाहरण स्वरूप चाइल्ड मैरिज एक्ट को लीजिए, ये बहुत बड़ा पुराना कानून है। इस कानून के बावजूद 45% दुनिया में जो महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष से कम होती है वो हिंदुस्तान की, और उसमें हिंदी प्रदेश जो है उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, बिहार भी उसमें शामिल है। इस यह जागरूकता की कमी और सोच का भाव और लड़कियों को एक पराई संपत्ति समझने की जो मानसिकता रही है उसके चलते गरीबी के चलते अन्य कारणों के चलते ऐसा होता है, उस सोच में बदलाव लाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का अधिकार मिला और इनरोलमेंट रेशियो, ये मैथ्यू साहब को और उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि डाइवर्जेंस है। मान लिया जाए कि दलित परिवार की जो लड़कियां हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है या उनका जो इनरोलमेंट रेशियो है ये चिंताजनक है। हम लोगों के जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तब तक विकास संभव नहीं है, और लड़की पढ़ती है तो जनरेशन पढ़ता है, लड़का पढ़ता है फिर इंडिविजुअल पढ़ता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में 3 मेजर फ्लॉ है। पहला यह है कि लिबरल एजुकेशन पर 70% यहाँ लोग लगे हुए हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन
और टेक्निकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो समय की मांग है, नीड बेस्ड एजुकेशन की जो आवश्यकता है, उससे बड़ा गैप है। मुझे यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर रहने का मौका मिला, देखा है कि जहां विदेशों में 70% लोग प्रोफेशनल डिग्री पाते हैं, हम लोगों के यहाँ वह प्रतिशत बहुत कम है। दूसरी कठिनाई यह है कि गुणवत्ता का अभाव, जिसका नतीजा यह है कि हमारे 5 लाख से अधिक इंजीनियर होते हैं, लगभग 3 लाख MBA होते हैं, ये सारे के एम्प्लॉयबिलिटी देखिएगा तो 20% से अधिक नहीं है, 80% रोड की सेवा करते हैं। और इसलिए एजुकेशन की क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी सब में सुधार की जरूरत है। मैं प्रशासन से करीब करीब 36 वर्ष और यूनिवर्सिटी से 40 वर्ष तक जुड़ा रहा हूं। मेरा अनुभव यह है कि जब तक हम लोग के सोच में बदलाव नहीं आएगा, खास करके जो ग्रास रूट वर्कर हैं हमारे, वो जब तक अपने रिस्पॉन्सिबनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि एडवोकेसी के द्वारा, जागरूकता अभियान के द्वारा, इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के द्वारा, मैं साहब को मालूम है कि ये आंध्रा में एनजी रंगा एजुकेशन कमेटी बनी थी, जिसमें पॉलिटिशियनों को ट्रेनिंग दिया जाता था, तो पॉलिटिशियन की ट्रेनिंग के साथ सिविल सर्वेंट की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत है, पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उनके कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत है, एनजीओ जो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी की भी कैलेसनेस के चलते जो दिल्ली की घटना घटी उसमें सोसाइटी कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब तक सोशल आउटपुट नहीं बदलेगा, सामाजिक सहभागिता नहीं बढ़ेगी, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम जब तक नहीं होगा, होलिस्टिक अप्रोच जब तक नहीं होगा, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण जब तक नहीं होगा, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग पर जब तक जोर नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा मिशन नहीं सक्सेसफुल होगा। आदमी कुपोषण का शिकार है और कुपोषण के जो परिणाम है, और बिहार में गरीबों की संख्या अधिक है, इसलिए कुपोषण की समस्या है, और सरकार का जो सपना है वो साकार हो सके, सभी जगह डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं हो, उनको इनके प्रति एक जो रिस्पॉन्सिबनेस होना चाहिए कि ये प्रायोरिटी है। प्री नेटल स्टेज में 3 बार चेकिंग, पोस्ट नेटल की चेकिंग, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी एफिशिएंसी में सुधार, इसके सभी सामूहिक प्रयास करेंगे तब यह मिशन और ये एम्पावरमेंट की जो पॉलिसी है, हिंदुस्तान सरकार ने, भारत की सरकार ने 2001 में इस पर नीति बनाई, उस नीति का हमने स्टडी किया है, मैंने किताब लिखी है, माननीय मंत्री महोदय को दूंगा, महिला सशक्तिकरण के सपने कितने पूरे कितने अधूरे, और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स